हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें आज हम अमेरिका की मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अमेरिका में देखो जो मिट्टियां हैं उनका जो विभाजन है कणों के आधार पे किया जाता है। कणों के आधार पर दो तरह की मिट्टियां होती हैं, बारीक कणों वाली चिका मिट्टी और बड़े कणों वाली बालू मिट्टी, और एक मिश्रित प्रकार की मिट्टी होती है जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं। उसके बाद जलवायु के विचार से मिट्टियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक है आंध्र प्रदेश की मिट्टियां जिसे पेडोल्फर कहते हैं, फिर है शुष्क प्रदेश की मिट्टियां जिसे पेडोकल कहते हैं। आंध्र प्रदेश यानी इस प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, जो मिट्टी है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, और शुष्क प्रदेश की मिट्टियां यहाँ वर्षा कम होती है, मिट्टी शुष्क होती है, और जिस तरह की मिट्टी होगी और उसी तरह की वनस्पति यहां उगेगी। उसके बाद देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित ये मिट्टियां हैं पाई जाती हैं, जिसे तीन भागों में बांटा है, पेडोल्फर मिट्टियां, पेडोकल्स मिट्टियां और अन्य मिट्टियां, और इन तीन भागों को भी अलग अलग उप विभागों में बांट रखा है। जैसे पेडोल्फर मिट्टियां है इसे चार भागों में बांटा गया है। पहले है पेडजोल मिट्टी, पॉडजोल मिट्टी, फिर खाकी भूरी पॉडजोल मिट्टी, लाल तथा पीली पॉडजोल मिट्टी, फिर चौथे नंबर पे है प्रेरी मिट्टी, फिर है पेडोकल्स मिट्टियां। इनमें है पहला चर्नोजम मिट्टी, चेस्टनट मिट्टी और खाकी भूरी मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद है अन्य मिट्टियां। अन्य मिट्टियों में है कांप मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दलदली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो ये मिट्टियों का विभाजन है अमेरिका में, ये मिट्टियां हैं पाई जाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और फिर सभी का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले बात करेंगे अपने पॉडोल्फर मिट्टियों की। इनमें पॉडजोल मिट्टी है। देखो पॉडजोल जो मिट्टी है इसमें चूना और लवण मिट्टी में घुल जाते हैं और मिट्टी के अंदर तक ये चले जाते हैं और भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि चूना और जो लवण है इसकी वजह से जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है। यहाँ पर चारागाहों का विस्तार है, चारागाह है तो यहाँ पशुपालन भी होता है। यह मिट्टी भूरी, खाकी, लाल और पीले रंग की होती है। यहाँ पर घास के अलावा जई, आलू और साग सब्जियां हैं वो उगाई जाती है, और इस प्रदेश में जैसे घास उगाई जाती है तो दूध व्यवसाय भी अच्छा विकसित है यहाँ पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह जो मिट्टियां हैं उत्तर पूर्वी भाग, महान झील प्रदेश और उत्तर पूर्व में पाई जाती है। उसके अलावा है देखो ये मिट्टी एक तो कम गहरी होती है और ये मिट्टियां अम्लीय होती हैं, अम्लीय प्रकार की मिट्टियां होती हैं। इन मिट्टियों में प्राकृतिक उर्वरता की कमी होती है और इस मिट्टी की जो परत है वो भी पतली होती है। फिर नेक्स्ट है खाकी भूरी पॉडजोल मिट्टी। देखो यह मिट्टी इसमें जीवावशेषों की मात्रा अधिक होती है, जीवों के अंश हैं इसमें अधिक पाए जाते हैं, यानी ये जो मिट्टी है ये उपजाऊ होती है। यहाँ पर तंबाकू और तंबाकू गेहूं
और चारा है वो पैदा किया जाता है। कृषि और पशुपालन दोनों ही यहाँ विकसित हुए हैं इस क्षेत्र में। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति कायम रखने के लिए फसलों का हेरफेर किया जाता है, यानी अलग अलग जो फसलें हैं वो इसमें उगाई जाती है। और ये जो मिट्टी का क्षेत्र है, यह पूर्व टेनेसी, उत्तरी कंसास, मिसौरी, केंटकी, इंडियाना, दक्षिण मिशिगन, दक्षिणी ओहियो, दक्षिणी वर्जीनिया, इन क्षेत्रों में यह मिट्टी है पाई जाती है। और यह मिट्टी मध्यम किस्म की मिट्टी है और इस मिट्टी में कठोर लकड़ी वाले पतझड़ वन विकसित होते हैं, लेकिन इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है, इसलिए यहाँ पर फसल अच्छी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है लाल तथा पीली मिट्टी। देखो, इस मिट्टी में चूना और घुलनशील पदार्थों का अभाव रहता है और वानस्पतिक तत्व लोह और एल्यूमिना का अंश इसमें अधिक होता है। लोहे की प्रधानता के कारण यह मिट्टी लाल रंग की होती है। कुछ वर्ष खेती करने के पश्चात इस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए इस मिट्टी में उर्वरक या जो खाद है उसका प्रयोग किया जाता है। इस मिट्टी में देखो व्यापारिक फसलें भी उगाई जाती है, जैसे कपास, तंबाकू और फल है, ये इस मिट्टी में पैदा किए जाते हैं। फ्लोर, ये जो मिट्टी है ये देखो दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य और मध्य अटलांटिक तट क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रेरी मिट्टी। प्रेरी मिट्टी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। और इस भाग में जो प्रेरी प्रदेश है यहाँ पर जो घास होती है वो लंबी घास है वो यहाँ पाई जाती है। और प्रेरी मिट्टी का जो क्षेत्र है वो चन्नोजम मिट्टी प्रदेश के पूर्व में विस्तृत है। वर्षा अधिक होने से ये मिट्टी चन्नोजम की अपेक्षा फसल उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस मिट्टी में नमी को लंबी अवधि तक रोकने की क्षमता होती है, तो इसमें अधिक खाद देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है प्रेरी मिट्टी में। और इस मिट्टी में कपास, मक्का और गेहूं की फसल की जाती है और इस मिट्टी में जैव पदार्थों की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। तो ये पेडोल्फर मिट्टियां हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं पेडोल्कस मिट्टियां। इसमें है पहले चरणोजम मिट्टी। देखो ये जो चरणोजम मिट्टी है ये काले रंग की होती है, काली मिट्टी होती है। घास प्रधान क्षेत्रों में विकसित होने के कारण इस मिट्टी में जैव पदार्थ है मिले होते हैं, तो जैव पदार्थों के मिले होने के कारण यह इस मिट्टी का रंग है वो काला हो जाता है। और इसमें नाइट्रोजन भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है चन्नोजम मिट्टी में। इस मिट्टी के क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से लंबी घास उगती है, यानी नेचुरल ही रूप से यहाँ लंबी घासें हैं वो उगती हैं। और इस घास के सड़े गले अंशों के लगातार मिट्टी में मिलते रहने से ये जो मिट्टी है वो काले रंग की हो जाती है। इस मिट्टी के क्षेत्र विश्व के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र है, यानी अधिक मात्रा में यहाँ खाद्यान्न है, खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ इस मिट्टी में गेहूं की जो फसल है वो अधिक की जाती है और इसके दक्षिण भाग में कपास की खेती अधिक की जाती है। फिर नेक्स्ट है चेस्टनट मिट्टी। इस मिट्टी के जो कण हैं वो एक दूसरे को मजबूती से नहीं पकड़े रहते हैं,
यानी इस मिट्टी के जो कण हैं वो बड़े हैं, मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं रहते हैं, तो इस मिट्टी का कटाव भी अधिक होता है। इसलिए यहाँ कटाव अधिक होता है। वो कटाव को रोकने के लिए गेहूं की फसल काटने के बाद जो इसके जो डंठल होते हैं वो खेत में ही ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं ताकि मिट्टी का कटाव ना हो पाए। इसमें काली मिट्टी की अपेक्षा वानस्पतिक तत्व की मात्रा कम होती है, इसकी उर्वरा शक्ति भी कम होती है। और ये जो प्रदेश है यहाँ 254 से 508 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है मिलीमीटर है, इकाई का ध्यान रखना, वर्षा यहाँ होती है और यहाँ घास खूब उगती है। तो पशु घास जहाँ उगती है तो वहाँ पशुपालन भी किया जाता है। इस मिट्टी में सोडियम और पोटेशियम लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है और इस मिट्टी में पौधे के लिए आवश्यक खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी की ऊपरी परत है वो पतली होती है और इसका रंग जो चरणों जो मिट्टी है उसकी तुलना में कुछ हल्का काला होता है। और यहाँ अब शुष्क कृषि विधि का प्रयोग होने लगा है। जो चेस्टनट मिट्टी है इस क्षेत्र में अब शुष्क कृषि विधि है, उसके द्वारा सिंचाई की जाने लगी है। फिर नेक्स्ट है खाकी भूरी मरुस्थलीय मिट्टी। देखो पर्वतों से घिरे हुए भागों में यहाँ जो वर्षा है वो 12.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो कम वर्षा होती है तो यहाँ वनस्पति का अभाव है और इस मिट्टी में जो वानस्पतिक तत्व है उनका भी अभाव रहता है। यह मिट्टी खारे भूरे रंग की सॉरी खाकी भूरे रंग की होती है और सिंचाई की व्यवस्था से यहाँ खेती की सुविधा हो गई है, क्योंकि वर्षा कम होती है, सिंचाई अगर यहाँ हो जाती है तो फसल भी अच्छी हो जाती है। तो ये जो मिट्टी है पतली परत वाली होती है और वनस्पति की कमी के कारण कार्बनिक जो तत्व है उनका अभाव इसमें पाया जाता है। इस मिट्टी में नमक का अंश है वो अधिक होता है। इस क्षेत्रों में जल के अभाव एवं वनस्पति की कमी के कारण यहाँ भौतिक अपक्षय अधिक क्रियाशील होता है। अपक्षय के कारण चट्टानों में विखंडन होता है और वायु के अपरदनात्मक कार्य के कारण यहाँ ऊपरी परतों में बालू के मोटे कण पाए जाते हैं। अब जो मिट्टी है उसके कण जितने अधिक मोटे होंगे वो उतना ही कम जल का अवशोषण कर पाएंगे। जो जिस मिट्टी के कण बारीक होते हैं वो उतना ही अधिक जल को अवशोषित करती है और देर तक उसमें नमी बनी रहती है। ये मिट्टी है ये अनुपजाऊ होती है और इसका जो रंग है अलग अलग पाया जाता है। फिर है अन्य प्रकार की मिट्टियां। अन्य प्रकार की मिट्टियों में सबसे पहले है कांप मिट्टी। कांप मिट्टी है यह समतल मैदानी भागों में जहां नदियां अपना जल लेके आती हैं वहां कांप मिट्टी पाई जाती है। और यह जो मिट्टी है यह प्रतिवर्ष नई मिट्टी यहाँ लाई जाती है, क्योंकि यह जो मिट्टी है वो नदियों के द्वारा लाई जाती है और नदियां प्रतिवर्ष यहाँ जो काम मिट्टी है वो नहीं लाती है। तो प्रतिवर्ष यहाँ इस मिट्टी की नई परत है वो जमती है। और इस तरह की जो मिट्टी होती है काम मिट्टी ये उपजाऊ मिट्टी होती है और इसमें खाद देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और ये दो तरह की होती है काम मिट्टी, नई और पुरानी होती है। जैसे भारत के भूगोल में हमने पढ़ा है खादर और बागर, उसी तरह से काम मिट्टी नई और पुरानी होती है। बागर है यह पुरानी मिट्टी होती है, जो खादर है वो नई मिट्टी होती है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो काम मिट्टी है इसके जो निक्षेप हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी है इस भाग में पाए जाते हैं और इसकी जो सहायक नदियां हैं उस क्षेत्रों में ये काम मिट्टी है यह पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टियां।
देखो पर्वतीय भागों में ऊंचाई के अनुसार अलग अलग तरह की मिट्टिया है वो मिलती है, और पर्वतों पे जो मिट्टिया पाई जाती है उनकी जो परत है वो पतली होती है, क्योंकि पर्वत पे जब वर्षा होती है तो उसके साथ जो मिट्टी है वो बह जाती है, इसलिए पर्वतीय जो मिट्टिया होती है उनकी जो परत है वो पतली होती है, क्योंकि पर्वत के जो ढाल है वो तीव्र ढाल होते हैं, तो उस तो तीव्र ढाल की वजह से यहाँ जो मिट्टी है उनकी जो परत है वो स्थायी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है रेतीली मिट्टी। देखो जो रेतीली मिट्टी है यह मिट्टी पानी सोख लेती है और नमी शीघ्र निकल जाती है, क्योंकि रेतीली मिट्टी है उसके जो कण है बड़े होंगे, पानी तो वो शीघ्रता से सोख लेगी मगर जितनी शीघ्रता से वो पानी सोखती है उतनी ही शीघ्रता से वो नमी है वो खो देती है। तो यह जो मिट्टी है यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है, कृषि के काम नहीं आती है। यह जो मिट्टी है फ्लोरिडा राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में, उसके अलावा नेब्रास्का के उत्तरी, टेक्सास के उत्तरी और दक्षिणी भागों में मिलती है। फिर है अंतिम है दलदली मिट्टी। यह जो मिट्टी है ये नदियों के जो डेल्टाई भाग है वहां पे ये पाई जाती है, उसके अलावा जो समुद्र तटीय भाग है वहां भी ये दलदली मिट्टी पाई जाती है। मिसिसिपी के डेल्टाई प्रदेश के निचले भाग और मेक्सिको खाड़ी के तटीय भागों में इस मिट्टी का विस्तार है, और इस मिट्टी में चावल की कृषि की जाती है और ताड़ के वृक्ष हैं वो उगाए जाते हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की मिट्टियां थी, और यहाँ भी मिट्टी जो का जो अपरदन है वो समस्या भी पाई जाती है, लेकिन ये जो समस्या मिट्टी की अपरदन की है ये यूरोप वासियों के आने के बाद हुई है अमेरिका में, क्योंकि उन्होंने कृषि के लिए वृक्षों को काट दिया था, उससे पहले यहाँ जो अपरदन की जो समस्या है वो नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।